नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेजिटेरियन फूड स्टैंड में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम बना रहे हैं भाई दूज के लिए कोई बढ़िया सी मिठाई जो हम अपने हाथ से ही बनाएंगे, जिसे खा के आपका भाई भी खुश होगा और आप अपने हाथ से बना के जो आपको खुशी मिलेगी वो तो बात ही क्या। देखिए, मैंने ना ये नारियल ले लिए थे इस तरह के चार, और मैंने उनको अच्छी तरह से पहले छील के और तोड़ के इनका ये अंदर का ये गिरी निकाल ली थी। और अब मैं क्या करूँगी, इससे पहले इसका जो पीछे का ब्लैक सा हिस्सा होता है ना, ये हम निकाल लेंगे। चक्कू से छील लीजिए या पिलर से छील लीजिए, पर कईयों का बहुत हार्ड था, चक्कू भी मेरे हाथ में लग गया, पर कोई बात, ये सब तो होता ही रहता है। तो देखिए, मैंने सारे इस तरह से छील लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, या तो आप इसे बारीक कट कर लीजिए चक्कू से, पर बारीक बारीक करिएगा, मोटा मोटा ना करिएगा। ये तो मिक्सी जार में ना, ये मिक्सी जार नहीं चले, कई बार तो ब्लेड भी टूट जाते हैं मिक्सी जार के, और थोड़ा थोड़ा डाल के ही पीसें आप। या तो आप बारीक कट कर लीजिए या कद्दूकस कर लीजिए, पर मैं इसे कद्दूकस करूँगी। और जो बाद में जो पार्ट रह जाता है, जो हाथ से कद्दूकस नहीं हो पाते, उसको मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। तो इस तरह से मैं कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, भाई दूज है, भाई दूज पे आप भी अपने हाथ से बनाइए अपने भाई के लिए मिठाई, और जो आप बना के जो आपको खुशी मिलेगी ना, वो तो उसके क्या ही कहने। और देखिए, जैसे दिवाली थी उस पर मिठाई बची हुई थी, तो मैंने वही यूज़ कर लिया इसमें, वो भी यूज़ हो जाएगी और एक नई तरह की मिठाई भी बन जाएगी। तो देखिए, मैंने सारा कद्दूकस कर लिया था, और अब मैं इसे मिक्सी जार में थोड़ा थोड़ा डाल के इसे पीस लूँगी। मैं ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी, हल्का हल्का करूँगी, थोड़ा थोड़ा, मतलब दरदरा सा रखूँगी, ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी इसे। और अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, कढ़ाई लेते हैं, गैस पे रख देते हैं, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे करिएगा ये। और कढ़ाई में आप कुछ भी नहीं डालना है, ना तो हमें इसमें कोई घी डालना है, ना भी कुछ भी नहीं डालना है, मतलब ऐसे ही इसे खाली एक दो मिनट के लिए इसे चलाना है ये। मतलब इसका जो नमी होगी, मॉइस्चर होगा ना हल्का सा, वो ख़त्म हो जाएगा, ये थोड़ा सूखा सूखा सा हो जाएगा। तो देखिए, इसे चलाते रहिए, नीचे चिपक जाएगा ये। तो देखिए, हमें इसका, अगर आपको बिल्कुल वाइट चाहिए तो इसका कलर ना बदलने दें, इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए बिल्कुल वाइट चाहिए, तो आप इसे मिल्क पाउडर डाल दीजिए, दूध डाल दीजिए, उससे बिल्कुल वाइट बनेंगे। पर मैं डालूँगी इसमें मिठाई, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा दूसरा आएगा। तो देखिए, अब मैंने क्या किया, इसको ठंडा कढ़ाई में से इसको निकाल लिया भूनने के बाद। ये दो तीन मिनट, तीन मिनट मुश्किल से लगे होंगे ये होने में, मतलब कि कढ़ाई में इसको हल्का सा भूनने में, सुखाने में 3 मिनट लगे होंगे मुश्किल से। मैंने इसे निकाल लिया, फिर ना इसको मेज़रमेंट कर लेंगे कितना है हमारा ये जो बुरादा है। ये मेरा लगता 2 बड़ी कटोरी भर के था, तो मैं अब 2 कटोरी भर के हैं, मैंने माप लिया। आप ना पहले ही माप लेना, मैं भूल गई थी इसलिए मैं बाद में कर रही हूँ। अब मैंने फिर से इसे कढ़ाई में डाल दिया है, तो अब आप चाहें तो इसमें मलाई डाल दीजिए, आधी कटोरी करीब मलाई डाल दीजिए, और थोड़ा सा इसमें 5-6 चम्मच इसमें डाल दीजिए आप मिल्क पाउडर, अगर आपके पास खोआ नहीं है तो। पर मेरे पास जब दिवाली पर बर्फ़ी बची हुई थी खोए की, प्योर खोए की, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। मैंने उसे 5-6 पीस लिए, उसको हाथ से मैश सा कर लिया, और मैंने उसे इसमें डाल दिया। पर पहले मैंने क्या किया, इसमें 2 चम्मच मैंने चीनी डाली थी, और मैंने डाला था 1/2 कप, छोटे वाले चाय वाले कप होते हैं ना, वही 1/2 कप दूध, वो डाल के मैंने इसको 2 मिनट के लिए पकाया था, और फिर मैंने इसमें खोया डाला है। अब इस खोए, ये बर्फ़ी थी, मतलब खोए की जो हमने मैश की थी, 5-6 पीस थे। ये देखिए, हम आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने 1 ही चम्मच चीनी डाली थी इसमें बस। और अब इसे अच्छी तरह से ना मिला लीजिए, और मैंने इसमें 1 चम्मच बीच में 1 चम्मच घी भी डाला है। तो देखिए, इसको इसका कलर इसलिए मेरा ऐसा कलर हो गया है, अगर आप मिल्क पाउडर या दूध या मलाई से बनाएंगे ना, तो इस आपका बिल्कुल वाइट कलर की बनेगी बर्फ़ी। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, इस टाइम पे येलो कलर हो तो, जैसे बाज़ार में मिठाई मिलती है वो येलो कलर की होती है। तो मेरा जैसे ही बन गया ये खोआ, अच्छी तरह से मैंने मिला लिया, इसमें मॉइस्चर नहीं रहा बिल्कुल भी, और खोआ पता है आपको
उसमें चिकनाहट भी काफ़ी होती है और दूध का ही होता है ये बर्फ़ी, तो मैंने इसलिए और कुछ नहीं डाला है। और मिठाई ऑलरेडी थी बर्फ़ी, इसलिए चीनी नहीं डाली, एक ही चम्मच डाली थी। अब देखिए मैंने इसको ठंडा कर लिया पहले, और इसको कुछ की तो मैं आधे की तो बनाऊंगी लड्डू और आधे के मैं बनाऊंगी बर्फ़ी। मैंने बर्फ़ी सेट कर ली, उसको स्क्वायर शेप में कर लिया, सेट हो जाएगी इतने वो। और देखिए मैं फटाफट से लड्डू बना रही हूँ, इतने कितने आसानी से बन रहे देखिए लड्डू, और इतना मज़ेदार टेस्ट लगेगा। ज़्यादा मीठे भी नहीं है क्योंकि मैंने इसमें बर्फ़ी बर्फ़ी डाली है, वो भी मीठी थी। ये देखिए अब मेरी इधर बर्फ़ी भी सेट हो चुकी है। मैंने इस पर थोड़ा सा चांदी का वर्क था, मैंने वो लगा दिया है जो मिठाई में लगाते हैं। और मैं इसके देखिए ये बर्फ़ी के पीस काट रही हूँ। मैंने ज़्यादा देर से सेट नहीं किया, मैं जब भी उतारने लगी तो इसलिए मेरी टूट गई ये देखिए, वरना देखिए कितनी आसानी से निकल रही है। थोड़ी देर बाद मैंने फिर से उठाई है तो ये देखिए कितनी आसानी से निकल रही है। ये मेरी बर्फ़ी है और ये हो गए लड्डू। मैंने क्या किया, लड्डुओं के ऊपर थोड़ा सा फूड कलर लगा दिया येलो वाला, आप चाहें तो लगा सकते हैं, ऑप्शनल है, वरना आप ऐसे भी खा सकते हैं। और खाने में इतने मज़ेदार, बस मज़ा ही आ गया। तो देखा दिवाली की मिठाई भी यूज़ हो गई और एक उसी मिठाई से हमने दूसरी। फ्रेंड आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई, आपको और आपके परिवार को, आपके भाई को, सभी को ये पसंद आने वाली है और झटपट बन के तैयार भी हो जाती है। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। भाई दूज की भी आपको शुभकामनाएं।